ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नितेश तिवारी ने पिछले साल रामायण अनाउंस की थी, अब इसका भयानक बस बन चुका है। वजह इसकी स्टार कास्ट है। रणबीर कपूर साई पल्लवी के साथ सुपरस्टार यश का नाम जुड़ने से जनता और ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। अब यश की फीस को लेकर कई सारी खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि यश रामायण के लिए 5 गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं। KGF और KGF 2 के बाद यश की पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ गई है। ये दोनों फिल्में इतनी मैसिव हिट हुई कि यश ने अपनी फीस भयंकर बढ़ा दी। यश कन्नड़ा इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हो गए हैं, इसलिए उन्होंने रामायण में रावण का रोल करने के लिए 400% ज्यादा हाइक मांगी है। ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यश ने रामायण की तीनों किश्तों के लिए 150 करोड़ रुपए मांगे हैं, मतलब रामायण सीरीज की एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए। इस फीस की तुलना यश की पिछली रिलीज KGF 2 से करें तो ये करीब 5 गुना ज्यादा है। यश ने KGF 2 के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की फीस ली थी, अब रामायण सीरीज के लिए 150 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अगर इन रिपोर्ट्स में सच्चाई है तो फीस के मामले में यश रजनीकांत और प्रभास जैसे स्टार्स की दौड़ में आ चुके हैं। यश की पॉपुलैरिटी को रामायण के मेकर्स भुनाना चाहते हैं। उनकी KGF 2 ने ओवरऑल 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है। ऐसे में रामायण में उनके रावण वाले रोल को यश कितना जस्टिफाई करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। नितेश तिवारी की रामायण के बजट की बात करें तो इसे रणबीर कपूर के करियर की सबसे महंगी फिल्म कहा जा रहा है, जिसका बजट करीब 500 करोड़ रुपए होगा। इस फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो देश भर के अलग अलग हिस्से से इस फिल्म के किरदारों को कास्ट किया जा रहा है। मेकर्स जल्द ही रामायण को ऑफिशियली अनाउंस भी कर सकते हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक नितेश तिवारी इस साल रामनवमी के मौके पर रामायण अनाउंस करेंगे। 3 पार्ट्स में बनने वाली इस रामायण को ऑफिशियल अनाउंसमेंट की डेट 17 अप्रैल हो सकती है। पिछले 5 सालों से रामायण की प्री प्रोडक्शन और स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, खासकर इसके विजुअल्स को लेकर टीम मेहनत कर रही है। अब समय आ गया है कि सभी की मेहनत को एक साथ लाया जाए और दर्शकों को रामायण का बेहतरीन अनुभव दिया जाए। पिछले 2 महीनों से एक्टर्स के लुक टेस्ट और प्री विजुअलाइजेशन पर काम चल रहा है। लीड एक्टर्स की मुंबई और LA में डिक्शन की ट्रेनिंग चल रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2025 की दिवाली तक ये फिल्म पर्दे पर आ जानी चाहिए। बीते दिनों खबर आई थी कि रामायण में राजा दशरथ के रोल के लिए अमिताभ बच्चन से बातचीत की जा रही है। कैकेयी का रोल लारा दत्ता करने वाली है। रावण के रोल में दिखेंगे यश, हनुमान बनेंगे सनी देओल। इसके अलावा विभीषण के रोल में विजय सेतुपति और रकुलप्रीत सिंह के शूर्पणखा के रोल में होने की खबर भी है। हालांकि ये सब सुनी सुनाई खबरें हैं। मेकर्स ने अब तक फिल्म की कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।